किसकी नज़र लग गई मेरे प्यार को, कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के, आई मिस यू बाबू। आप लोग कैसे सोच सकते हो कि मैंने अपने फ्रेंड अपने पति का मजाक बनाया है, कैसे बोल सकते हो ये सब? आपको क्या पता है मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, कि क्या था मेरा रिश्ता, कैसे थे हम लोग, कैसे रहते थे, कैसा प्यार था, आप लोग नहीं जानते हो। कैसे कह सकते हो कि मैंने अपने हस्बैंड का मजाक बनाया है, कैसे? एकदम से मैं अंदर से टूट गई हो, और टूट गई हो और ज़्यादा। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम यूट्यूब कभी नहीं छोड़ोगी, एक अच्छी यूट्यूबर बनोगी। मुझे नहीं पता था कि आज वो ये दिन आएगा, मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊंगी। क्या थी मेरी ज़िंदगी, जिसको नहीं पता है मेरे पहले के वीडियो देखो, तब आपको खुद से पता लग जाएगा कि मैं भी खुश रहती थी, मेरी भी कुछ सपने थे, मेरे भी। आज वो मुझसे इतनी दूर गए हुए हैं, मैं कैसे दिन काट रही हूँ, मैं एक एक मिनट कैसे काटती हूँ, कि आप लोग नहीं जानते हो। 6 मिनट की 5 मिनट की वीडियो देख ली, उससे जज कर लिया आपने कि हाँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। दिन भर मैं कैसे काटती हूँ, रात में कैसे काटती हूँ, ये जानते हो आप लोग, सही ना? तो कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि मुझे कोई दुख नहीं है, बस जान नहीं निकली है मेरी, मर चुकी हूँ मैं, मर चुकी हूँ बस। क्या बताएं, भगवान ने इतना गलत किया मेरे साथ में। जी रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए, उसे कुछ बनाना है, जो उनके सपने अधूरे रह गए वो मुझे पूरा करना है। आप मेरी YouTube फैमिली हो, मैंने सोचा आपसे दुख बांट के शायद, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बहुत उल्टा मतलब निकाला, बहुत उल्टा उल्टा कहा मुझे कि पति का मजाक बना रही है, वीडियो डाल रही है, पता नहीं क्या क्या बोला। एक बार आप लोगों ने ये नहीं सोचा बोलने से पहले कि मैं ऑलरेडी इतनी तकलीफ़ में हूँ, ये सब देख के मुझे कितनी तकलीफ़ हो सकती है, क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? एक औरत हो के एक औरत की दुश्मन कैसे बन सकती हो? मेरी भी 5 साल की बेटी है, मैं उसके लिए कुछ ना करूं? मैंने नया नया चैनल बनाया होता तो आप लोग कह सकते थे, मैं 5 महीने से चैनल पे काम कर रही थी, 5 महीने से बहुत मेहनत करती थी मैं, मेरे हस्बैंड दोनों लोग, दो दो ढाई ढाई घंटे में लाइव आती थी, बहुत मेहनत करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अभी मेरी शादी के 6 साल कंप्लीट हुए थे 10 फरवरी को, समझे आप, 10 फरवरी को 6 साल पूरे हुए थे। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी काटूंगी वो मुझे ही को पता है, किसी को नहीं पता है। मैं कैसे एक एक मिनट काट रही हूँ उनके बिना, कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, ये आप लोग नहीं जानते हो ना। मैंने 6-7 मिनट की वीडियो डाल दी, उसमें आपने जज कर लिया, कोई नहीं, मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी हंसी, मेरी पूरी दुनिया, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, जिसके बिना मैं 1 मिनट नहीं रहती थी, 1 मिनट उसके बिना मैं जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी है, बस इसलिए कि उसका पापा नहीं है तो वो शायद मेरे बिना वो खुश नहीं रह पाएगी, जो मुझे कुछ हो जाता है ना तो वो क्या करेगी, बस इसलिए, नहीं तो कब की मैं जा चुकी थी।
कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं बाबू के बिना जी पाऊँ। बस अपनी बेटी के लिए उनके जो सपने थे वो मुझे पूरे करने हैं। बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने, थैंक यू सो मच, बहुत लोगों ने जो मुझे समझा, मेरे दर्द को समझा, मेरी तकलीफ़ को समझा है। और कुछ लोगों ने मेरा इतना मजाक बनाया है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। पहले के वीडियो देखना कि कैसी थी मेरी लाइफ और आज की मेरी लाइफ कैसी हो गई है, मैं कैसी हूँ, कैसी हो गई हूँ। मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं जीऊँ। एक एक मिनट में कैसे काट रही हूँ मुझे पता है, मुझे ही पता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, मेरी तकलीफ और ना बढ़ाओ। नहीं मदद करनी है, बिल्कुल मत करो। लेकिन ऐसे किसी को बेवजह परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज़ सब मत करो। बाकी सबने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरी प्रॉब्लम को समझा है, मुझे समझा है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अभी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी किस किस ने मेरा सपोर्ट किया है। मैं सब सब के नाम ज़रूर लूंगी, बस थोड़ी सी हिम्मत आ जाए मुझ में। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी कल भी बहुत सारे फ़ोन आए मुझे वीडियो बनाने के लिए, सब ने मुझे बहुत समझाया। इसलिए तो प्लीज़ ऐसा मत कुछ बोलो जिससे मैं अपना मुँह छुपा के बैठूँ। ऐसी स्थिति मत बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मुझ पर पहाड़ टूटा हुआ है। प्लीज़ इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हो, इतना तो समझ ही सकते हो। अब बाबू नहीं है ना, इसलिए पता नहीं क्यों वो मुझे छोड़ के चले गए, क्यों कि मुझे ये दुख देखना था। इसलिए बहुत याद आती है बाबू तुम्हारी, कैसे रहूं मैं तुम्हारे बिना, कैसे, कुछ तो बताया होता मुझे।